2023 के अंदर अगर आप एक विंडो एसी लेना चाहते हैं और आपको कोई कहता है कि इन्वर्टर एसी मत लेना क्योंकि उसमें अगर खराबी आ जाए तो रिपेयर कराने में बहुत खर्चा आता है, तो कोई दूसरा कहेगा कि नॉन इन्वर्टर एसी ले लो भैया क्योंकि उसके अंदर आपको कोई टेंशन नहीं होगी खराबी की और हमेशा सालों साल चलता रहेगा। लेकिन साथ में तीसरा आदमी एक और बात कहेगा कि उसमें बिजली का बिल बहुत ज्यादा आएगा। तो आपके मन में जितनी कंफ्यूजन हो सकती है दैट आई कैन इमेजिन एंड आई एम गोइंग टू सॉल्व एवरी बिट ऑफ कंफ्यूजन इन दिस वीडियो। मेरा नाम है विनीत मल्होत्रा और मैं आपको 2023 के बेस्ट विंडो एसीज बताने जा रहा हूं और आपको ये भी बताऊंगा कि उनसे इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस आपका कितना आने वाला है। आपने अगर मेरे पहले के एसी के वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा कि सारे एसीज को पहले मैं खुद खरीदता हूं, उन्हें जगह जगह अपने घर अपने ऑफिस अपने स्टूडियो के अंदर इंस्टॉल करता हूं और उसके बाद उन्हें कंपेयर करके आपको बताता हूं कि बेस्ट एसी कौन सा है। लेकिन मैं किसी भी विंडो एसी को यहां पे आपको दिखा नहीं सकता हूं क्योंकि मैंने अलग अलग जगह उन्हें ऑलरेडी इंस्टॉल करा दिया है, उन्हें चेक कर लिया है और आज मैं आपको उन्हें कंपेयर करने के बाद उनका कंपेरिजन वीडियो आपको दिखा रहा हूं। लेकिन उन्हें खरीदने से पहले आपको तीन पॉइंट्स बहुत ध्यान से सुनने हैं तभी आप एक सही एसी अपने घर के लिए या फिर अपने ऑफिस के लिए खरीद पाएंगे। इन पॉइंट्स को जरा जल्दी से सुनिए। आपको पता है स्टार रेटिंग पूरी तरह से चेंज हो चुकी है और अब आपको स्टार लेबल पे आईसी रेटिंग यानी इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशो आपको 3.5 से ऊपर जिस भी विंडो एसी की मिलेगी वो 5 स्टार रेटेड होगा, चाहे वो नॉन इन्वर्टर एसी हो चाहे वो इन्वर्टर एसी हो। और ये स्टार रेटिंग अब 2024 के दिसंबर तक वैलिड है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। लेकिन आपने एक चीज ध्यान से सुनी, मैंने कहा चाहे वो नॉन इन्वर्टर एसी हो चाहे वो इन्वर्टर एसी हो, अगर 3.5 से ऊपर की आईसी वैल्यू है तो वो 5 स्टार रेटेड है। आगे बताऊंगा इसका क्या मतलब है। Let's answer elephant in the room. आपको इन्वर्टर एसी लेना चाहिए या फिर नॉन इन्वर्टर एसी? सिंपल एक लाइन में आपको इसका जवाब देता हूं कि एक इन्वर्टर एसी के अंदर ऐसा कंप्रेसर आपको देखने को मिलता है जो अलग अलग स्पीड पे काम करके आपके रूम के अंदर कूलिंग को मेंटेन रखता है, उससे पावर कंजम्पशन थोड़ी सी कम होती है। लेकिन नॉन इन्वर्टर एसी के अंदर ऐसा नहीं होता, ये है डेफिनेशन। लेकिन आज आपको मैं असलियत दिखाता हूं एक इन्वर्टर और एक नॉन इन्वर्टर एसी जो कि सारे 2023 मॉडल हैं उनकी एवरेज पावर कंजम्पशन एज पर दी स्टार लेबल और उसी स्टार लेबल पे दी गई आईसी वैल्यू यानी इंडियन सीजन एनर्जी एफिशिएंसी रेशो। आप इस चार्ट को देखिए, इन्वर्टर एसी की एवरेज आईसी वैल्यू होगी 3.59। इसमें हमने तीन टॉप इन्वर्टर एसीज लिए हैं और अगर हम नॉन इन्वर्टर एसीज की बात करें तो उसकी आईसी वैल्यू की एवरेज होगी 3.35। और इन्हीं इन्वर्टर एसीज और नॉन इन्वर्टर एसीज की अगर हम पावर कंजम्पशन की बात करें एज पर दी स्टार लेबल तो ये रही आपके सामने। हर एसी को 1600 आवर्स तक टेस्ट कंडीशन में रन करके ये पावर कंजम्पशन ली जाती है और इसे हर एसी के स्टार लेबल पे लिखा जाता है। मैंने टॉप 3 इन्वर्टर और टॉप 3 नॉन इन्वर्टर एसीज की एवरेज आईसी वैल्यू और एवरेज पावर कंजम्पशन आपको बताई, उसमें डिफरेंस कितना निकला? 60 यूनिट्स ओनली। अब आपको ध्यान से सोचना है कि आप जो ज्यादा पैसे विंडो कैटेगरी के इन्वर्टर एसी पे दे रहे हैं वो आपको क्या देने चाहिए और किस डिफरेंस के लिए दे रहे हैं? 60 यूनिट्स ऑफ पावर कंजम्पशन। और एक और बात बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला सिर्फ विंडो कैटेगरी पे एप्लीकेबल है, स्प्लिट कैटेगरी पे नहीं। स्प्लिट एसी की बात करी ही है तो आपको ये भी बता दूं कि स्प्लिट और विंडो के अंदर हमेशा स्प्लिट एसी ज्यादा बेटर होते हैं। कारण, नॉइज लेवल्स। एक विंडो एसी बहुत ज्यादा आवाज करता है, उसके कंप्रेसर के आसपास टायरोफोम लगाई जाती है ताकि उसके नॉइज लेवल्स काफी कम हो। लेकिन किसी भी विंडो एसी के एवरेज नॉइज लेवल्स अप्रॉक्सीमेटली 55 डेसिबल्स होते हैं। एक रेफरेंस के लिए, आपकी वॉशिंग मशीन के नॉइज लेवल्स होते हैं 60 डेसिबल्स। लेकिन अगर हम कंपेयर करें तो स्प्लिट एसी के एवरेज नॉइज लेवल्स होते हैं 35 डेसिबल्स। मेरा आपको हमेशा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि अगर आपका रूम और जहां पे भी आप आउटडोर यूनिट लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आप स्प्लिट एसी लगाते हैं, उसके बीच में डिफरेंस अगर बहुत ज्यादा नहीं है तो आपको एक स्प्लिट एसी लेना चाहिए। और दूसरी रिकमेंडेशन, अगर आपका रूम साइज काफी बड़ा है, लेट्स से 200 स्क्वायर फीट और मोर, तो आपको विंडो एसी लेना ही नहीं चाहिए।
इस बात का आप ध्यान रख के अगर एक एसी ऑर्डर करेंगे देन यू विल बाय द बेस्ट एसी। आप कोई भी विंडो एसी लेंगे उसके अंदर आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव और 5 ईयर्स की वारंटी मिलेगी ऑन दी कॉम्प्रेसर। ये एक स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज है जो आपको हर विंडो एसी में देखने को मिलेगा, स्पेशली दी नॉन इन्वर्टर कैटेगरी। लेकिन क्या आपके विंडो एसी के अंदर सिर्फ एक कॉम्प्रेसर ही होता है जो खराब हो सकता है और कोई पार्ट नहीं? आई ऑलवेज रेकमेंड कि आप कोई भी महंगा अप्लायंस लें, एटलीस्ट एक एसी लें, तो आपको एक एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज लेना चाहिए, एंड दैट टू अ गुड एक्सटेंडेड वारंटी पैकेज। मैं अपनी तरफ से आपको गो वारंटी का एक्सटेंडेड वारंटी प्लान रेकमेंड करता हूं, जिसे आप चाहे अमेजोन से लें, चाहे उन्हें फोन करें, एंड बाय द वे अगर आप उन्हें फोन करके कुछ नेगोशिएट करेंगे और अपने कस्टमाइज्ड प्लान्स बनवाएंगे देन इट विल बी बेटर। डू दैट और उसके बाद अपने एसी को पहले दिन से प्रोटेक्ट करके चले, सिर्फ कंप्रेसर नहीं पूरा एसी जब प्रोटेक्ट होगा देन यू विल गेट पीस ऑफ माइंड। चलिए सब कुछ सेट हो गया, आपने एक विंडो एसी खरीद लिया, उसके बाद ब्रांड की इंस्टॉलेशन टीम आपको कॉल करेगी, वो आपको इंस्टॉलेशन के अप टू 1,000 रुपीज चार्ज करेंगे और आपके रूम के अंदर एसी को इंस्टॉल करके चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले शायद वो आपको एक और बात कहें, वो शायद आपको ये कहेंगे कि अगर आपने ये वाला स्टेबलाइजर अपने एसी के साथ नहीं लगाया तो शायद आपकी एसी की वारंटी वॉइड हो जाएगी। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, आपको अपने एसी के साथ एक स्टेबलाइजर लगाना चाहिए, लेकिन उस एक्स्ट्रा एक्सेसरी को आपको इंस्टॉलेशन टीम से खरीदने की जरूरत नहीं है, आप उसे कहीं से भी खरीद सकते हैं, ओपन मार्केट से, अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से द बेस्ट स्टेबलाइजर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, आप उसे चेक करिए, अच्छा लगे तो लीजिए, लेकिन मेरी रिकमेंडेशन रहेगी कि आपको एसी के साथ स्टेबलाइजर जरूर लगाना चाहिए। मैं सारा काम इसलिए करता हूं क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से मैं प्यार करता हूं और यही मेरा ब्रेड एंड बटर भी है। मैं आपसे कभी भी डायरेक्टली पैसे नहीं लेता, लेकिन मैं आपसे हमेशा हेल्प मांगता हूं। हेल्प मेरे लिंक्स जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता हूं या फिर VM1 AC लिस्ट में देता हूं, वो सारे अफिलिएट लिंक्स हैं, उन्हें यूज करके अगर आप अपनी परचेज को पूरा करेंगे तो आपके लिए प्राइस 1 रुपया भी चेंज नहीं होगा, बट इस चैनल की थोड़ी सी मदद होगी और वो थोड़ी थोड़ी मदद जोड़ जोड़ के हम प्रोडक्ट्स को खरीद के आपको ऐसा ट्रू व्यू कंपैरिजन दिखाते हैं जो दुनिया में कोई और आपको नहीं दिखा सकता। ये मेरी यानी विनीत मल्होत्रा की गारंटी है आपको। आशा करता हूं कि आप मेरे लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिए हैं उन्हें यूज करेंगे, और हाँ VM1 AC लिस्ट को भी चेक करिएगा, वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। पॉइंट्स तो हुए खत्म और जितने विंडो एसीज मेरे पास थे उन्हें मैंने अलग अलग जगह इंस्टॉल तो कर लिया, लेकिन उसके अलावा भी कई और मॉडल्स लॉन्च हुए जिन्हें मैं इंस्टॉल नहीं कर सकता था, इसलिए मैंने ऑफलाइन मार्केट में जाके उन सारे एसीज को पर्सनली पहले चेक किया और उसके बाद मैंने कंपैरिजन किया इन सारे एसीज का और उन सारे एसीज का जो मैं नहीं खरीद पाया। उसके बाद मैं अब आपको बताऊंगा द बेस्ट विंडो एसी जो आप खरीद सकते हैं इंडिया में 2023 में, और 30,000 रुपीज से नीचे जितने एसीज मुझे अच्छे लगे वो थे 3 एसीज, मैं उनके बारे में आपको एक साथ बताऊंगा। पहला एसी है वोल्टास का 1.5 टन 3 स्टार 2023 मॉडल, दूसरा ब्लू स्टार का 1.5 टन 3 स्टार 2023 मॉडल, और तीसरा लॉयड का 1.5 टन 4 स्टार 2023 मॉडल। लेकिन खास बात इनमें क्या है, ये तीनों नॉन इन्वर्टर या फिर फिक्स्ड स्पीड एसीज हैं। इन तीनों में आपको फिक्स्ड स्पीड रोटरी कंप्रेसर देखने को मिलेगा और तीनों 2-वे स्विंग के साथ आने वाले एसीज हैं। तीनों में आपको 100% कॉपर पाइप्स और कंडेंसर देखने को मिलेगा और उनमें आपको एंटी कोरोसिव कोटिंग भी लगी हुई मिलेगी। इस कोटिंग को ब्लू स्टार और लॉयड कहता है ब्लू फिन्स टेक्नोलॉजी, क्योंकि उनके ब्लू कलर के केमिकल की कोटिंग आपको फिन्स और कंडेंसर पे करी हुई मिलेगी, लेकिन वोल्टास उसे कहता है एंटी कोरोसिव कोटिंग क्योंकि वो ट्रांसपेरेंट केमिकल की कोटिंग करी हुई मिलेगी। तीनों एक बराबर हैं, तीनों क्या एसेंशियली एक ही पर्पस है, टू स्टॉप एंड प्रिवेंट द फिन्स एंड कंडेंसर फ्रॉम सेडिमेंट एंड सॉल्ट एक्यूमुलेशन। पर इस कोटिंग का एसी के कंडेंसर और फिन्स पे होने का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि कंडेंसर कभी लीक नहीं करेगा, वो कर सकता है अगर आप कोस्टल एरियाज में रहते हैं या फिर आपके घर के आसपास ड्रेन्स या फिर नाले हैं।
क्यों? क्योंकि ऐसे एरियाज में फ्यूम्स बहुत ज्यादा होती हैं एयर में और वो बहुत ज्यादा जल्दी लीक होते हैं, बट ऐसी कोटिंग से वो बहुत ज्यादा डिले हो जाती है लीकेज, एंड दैट इज व्हाई दिस कोटिंग इज वेरी वेरी गुड। तीनों ही एसीज के अंदर आपको एक अच्छा डस्ट फिल्टर लगा हुआ मिलता है, बट किसी में भी आपको PM2.5 फिल्टर नहीं मिलेगा। तीनों एसीज में आपको टर्बो मोड भी मिलेगा और एक ह्यूमिडिटी कंट्रोल का ड्राई मोड भी देखने को मिलेगा। लेकिन तीनों एसीज में एक छोटा सा फर्क है, वोल्टास के अंदर आपको सेल्फ डायग्नोसिस फीचर नहीं मिलता जबकि लॉयड और ब्लू स्टार में मिलता है। डज दैट रियली मेक मच ऑफ अ डिफरेंस? इट डज समटाइम्स, क्योंकि अगर आपका एसी खराब होता है तो उस एसी के डिस्प्ले पे एक एरर कोड आता है, आप सर्विस टीम को कॉल करके वो एरर कोड बताएंगे तो वो जल्दी से उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को ठीक कर पाएंगे। अनफॉर्चुनेटली आपको ये वोल्टास के एसी में नहीं मिलता, लेकिन बाकी दोनों एसीज में मिलता है। तीनों ब्रांड्स के बहुत बड़े बड़े क्लेम हैं कि वो 48 डिग्री से लेके 52 डिग्री तक बहुत अच्छा ऑपरेट कर सकते हैं और कूल कर सकते हैं, लेकिन मैं इस क्लेम की कोई टेस्टिंग या वेरिफिकेशन नहीं कर सकता क्योंकि 48 डिग्री या 52 डिग्री का टेम्परेचर मेरे एरिया में तो कभी हुआ नहीं और मैं उस टाइम तक वेट करके इनकी टेस्टिंग नहीं कर पाऊंगा, बट दिस इज व्हाट द कंपनी क्लेम्स। एक और क्लेम है कंपनीज का कि 54 डेसिबल से 56 डेसिबल तक आपको नॉइज लेवल्स देखने को मिलेंगे इन एसीज से, और तीनों ही ब्रांड्स आपको 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव और 5 ईयर्स की वारंटी देंगे ऑन द कंप्रेसर और 1 साल में आपको 2 सर्विसेज फ्री भी देंगे। क्योंकि इन तीनों एसीज का एक तरीके का टाई हुआ है मेरी लिस्ट में, मैं आपको इन तीनों ही एसीज के एक एक करके प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा, उसके बाद आप ये खुद डिसाइड करेंगे कि इन तीनों में से आपके रूम के लिए, आपके घर के लिए, आपकी फैमिली के लिए कौन सा एसी सबसे ज्यादा सही और सूटेबल है। सबसे पहले हम वोल्टास की बात करते हैं। इट्स अ वेरी गुड एसी, आपको इसके अंदर बहुत अच्छा एयर थ्रो देखने को मिलेगा। इसका प्राइस बहुत फैंटास्टिक है, अप्रोक्सीमेटली 28,900 रुपीज का आपको इस समय कॉस्ट करेगा। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एवरीथिंग इज वेरी गुड, द कूलिंग इज वेरी गुड, बट देयर इज वन स्मॉल, टू स्मॉल प्रॉब्लम्स। ओके, 56 डेसिबल्स के जो नॉइज लेवल हैं ये मेरे हिसाब से थोड़े ज्यादा हैं। इस बात का आपको ध्यान में रखना है कि ये विंडो एसी है। विंडो एसी ऑटोमेटिकली या बाय इन इटसेल्फ एक इंजन की तरह काम करता है और इंजन आपके रूम के अंदर रखा होता है। 56 डेसिबल्स के नॉइज लेवल थोड़े से ज्यादा है क्योंकि आपकी एवरेज में वॉशिंग मशीन भी 60 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स प्रोड्यूस करती है। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। एक और चीज़ है जो मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी, वो है कि ये 1.36 टन की कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है। दिस एसी इज ओनली सूटेबल फॉर अप टू 140 स्क्वायर फीट साइज ऑफ रूम। अगर आपका रूम का साइज 140 से ऊपर है, आई हाईली रेकमेंड कि इस एसी को पूरी तरह से स्किप करें और आप कोई और एसी देखें। अदरवाइज अगर 140 स्क्वायर फीट से नीचे का साइज का रूम है तो ये एसी 28,900 रुपीज के अंदर एक डिलाइट है और आप इसे तुरंत खरीद सकते हैं। इट्स अ फैंटास्टिक एसी, इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? ओ आई नो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, यू आर वेटिंग फॉर ब्लू स्टार एंड लॉयड के प्रोज एंड कॉन्स, वो मैं आपको अब बताता हूँ। ब्लू स्टार का एसी 30,900 रुपीज का इस समय आपको कॉस्ट करेगा। ये प्राइसेस चेंज हो सकते हैं, इसलिए मैंने आपको इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हैं और VM1 AC लिस्ट 2023 के अंदर भी दिए हैं। उस लिस्ट को डाउनलोड करिए, आपको वो सारे ACs मिलेंगे जो मैं रेकमेंड करता हूं और उनमें एक भी वो AC नहीं होगा जो मैं रेकमेंड नहीं करता। However, this AC is very very good। इसके अंदर आपको बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं, स्पेशली सेल्फ डायग्नोसिस भी आपको इसमें मिलता है जो आपको वोल्टास में नहीं मिलता। इट हैज गॉट अ वेरी गुड कूलिंग, लेकिन इसकी भी कूलिंग कैपेसिटी 1.39 टन है। यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। इससे क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आप 150 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज में इस एसी को बहुत इजीली यूज करेंगे एंड दिस एसी विल गिव यू वेरी वेरी गुड कूलिंग। अगेन 56 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स हैं, ये थोड़े से ज्यादा हैं मेरे हिसाब से। आपका रूम अगर 150 स्क्वायर फीट के आसपास है तो आप इसे आराम से बर्दाश्त कर पाएंगे। इन कंपैरिजन विद अ स्मॉलर रूम साइज, तो आपको चूज करना है कि आपने वोल्टास लेना है अपने रूम साइज के हिसाब से या ब्लू स्टार। प्राइसेस दोनों ही एसीज के बहुत अच्छे हैं, फीचर रिच एसी दोनों हैं। थोड़े से फीचर्स आपको एक्चुअली में ब्लू स्टार में ज्यादा मिलेंगे और एक और एडवांटेज है ब्लू स्टार में, उसके जो फिन्स हैं वो थोड़े से थिक हैं। इट इज गुड, यू नो, क्योंकि कोस्टल एरियाज या फिर अगर आप ड्रेन के आसपास रहते हैं तो आपको थोड़े से थिकर फिन्स ज्यादा सही रहेंगे।
वो थोड़े ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग होंगे। द चॉइस इज कम्प्लीटली योर्स। मैं आपको वो बता सकता हूँ जो मैं ऑब्जर्व करता हूँ इन एसीज के अंदर, एंड कूलिंग डिपार्टमेंट में आई थिंक दिस एसी इज वेरी गुड। इसके लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अब मैं आपको बताता हूँ लॉयड के प्रोज एंड कॉन्स। अब आप सोच रहे होंगे कि वोल्टास और ब्लू स्टार के मैंने 3-स्टार मॉडल लिए, लेकिन लॉयड का मैंने 4-स्टार मॉडल क्यों लिया? क्योंकि ये एसी 29,500 रुपीज का कॉस्ट करता है एट द सिमिलर प्राइस पॉइंट जिसमें बाकी ब्रांड अपने 3-स्टार मॉडल दे रहे हैं, लॉयड आपको 4-स्टार मॉडल दे रहा है। What does that mean? Lower electricity consumption और आपको ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी, 1.39 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है इन कंपैरिजन विद ब्लू स्टार एंड वोल्टास, which is a very good thing। ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी, ज्यादा पावर सेविंग यानी पावर कंजम्पशन कम, और उसके अंदर आपको नॉइज लेवल्स भी कम मिलते हैं 54 डेसिबल्स के इंस्टेड ऑफ 56 डेसिबल्स जो आपको ब्लू स्टार और वोल्टास में मिलते हैं। नाउ दैट इज द बिगेस्ट प्रो ऑफ दिस एसी। मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा सर्वगुण संपन्न एसी है और आप इसे खरीद सकते हैं। इसके लिंक्स दिए हैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 एसी लिस्ट 2023 के अंदर भी, उसे जरूर डाउनलोड करिएगा। लेकिन आपको एक छोटा सा कौन बताऊं लॉयड एसी का, लॉयड की सर्विस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई नो इट हैज गॉट बेटर इन द पास्ट 2 ईयर्स, लेकिन अभी भी इंप्रूवमेंट की जरूरत है। आई एम नॉट सेइंग कि वोल्टास और ब्लू स्टार बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन उनका नेटवर्क थोड़ा ज्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू लॉयड, लेकिन लॉयड बहुत ज्यादा और बहुत तेजी से इंप्रूव कर रहा है। The AC is very very good and feature rich। आप इसे 160 square feet तक के रूम में आराम से लगाएंगे, no problem। आपको कूलिंग में किसी टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आप जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, 29,500 रुपीज इज द प्राइस। What आर यू वेटिंग फॉर? बेस्ट विंडो एसी इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नेक्स्ट है हिताची का 1.5 टन 3-स्टार 2023 मॉडल एसी, जिसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी मिलती है 1.36 टन्स। इस एसी की आईसी रेटिंग है 3.24, विच इज वेरी वेरी इंप्रेसिव। और ये एसी फिक्स स्पीड रोटरी कंप्रेसर के साथ आता है, यानी ये भी एक नॉन इन्वर्टर एसी है एंड इट इज अ वेरी गुड एसी। याद है मैंने आपको अपने पॉइंट्स में क्या बताया था? सिर्फ 3.5 या फिर उससे ऊपर की आईसी रेटिंग पे आपको 5-स्टार एसी मिल जाता है, एंड ये एसी 3.24 की आईसी रेटिंग के साथ आता है। इट्स अ वेरी गुड थिंग। इस एसी के अंदर आपको 100% कॉपर कंडेंसर और कॉइल्स देखने को मिलेंगे, और कॉपर की ही इवेपोरेटर कॉइल्स भी देखने को मिलेंगी, जो कि अपने आप में बहुत अच्छी चीज है। उन सभी कॉइल्स पे और फिन्स पे एंटी कोरोसिव कोटिंग भी करी गई है, और इसमें आपको एक एंटी बैक्टीरियल और एक डस्ट फिल्टर भी लगा हुआ मिलता है। ये एंटी बैक्टीरियल को मेरे लिए टेस्ट करना इम्पॉसिबल है, और ना ही मैं समझता हूँ कि आप एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज अपने एसी से ढूंढ रहे हैं। व्हाट मैटर्स मोस्ट इज कि ये अच्छा एयर फिल्टर है, एंड दैट इज अ वेरी गुड थिंग। इस एसी के अंदर आपको इनबिल्ट डीह्यूमिडिफायर भी देखने को मिलेगा, और इसके नॉइज लेवल्स हैं लोएस्ट नॉइज लेवल्स 50 डेसिबल्स। हिताची आपको देता है 1 ईयर की कॉम्प्रिहेंसिव और 10 ईयर्स की वारंटी ऑन दी कंप्रेसर। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। कोई भी ब्रांड आपको नॉन इन्वर्टर एसी पे 5 ईयर्स से ज्यादा की वारंटी नहीं देता, बट हिताची सेज कि आई गिव यू 10 ईयर्स वारंटी। दैट इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। आप इस एसी को इस समय खरीद पाएंगे 31,000 रुपीज का, लेकिन यहीं पे आपको एक चीज बहुत ध्यान से समझनी है। हिताची का यही सिमिलर मॉडल, नॉट द सेम मॉडल, सिमिलर मॉडल ऑफलाइन मार्केट्स के अंदर भी अवेलेबल है, और मैंने उसे चेक भी किया। उसके अंदर आपको कूलिंग कैपेसिटी थोड़ी सी डिफरेंट मिलेगी और आईसी रेटिंग और भी कम मिलेगी। इस एसी की आईसी रेटिंग है 3.24, जबकि उस ऑफलाइन मॉडल की आईसी रेटिंग है 3.09। ये और भी ज्यादा कम है। प्राइसेस बिल्कुल सिमिलर हैं, आपको ऑनलाइन ऑफलाइन सेम प्राइस पे मिलेंगे एसीज। Now it is up to you to decide कि आपको कौन सा एसी लेना है। ज्यादा आईसी रेटिंग यानी आपकी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी सेविंग इन द सेम कूलिंग। ये अच्छा एसी है, इसके अंदर आपको बहुत सारी एडवांटेजेस मिलती हैं। सबसे पहली एडवांटेज तो मैंने आपको बताई दी कि आपको 10 ईयर की कंप्रेसर वारंटी मिलती है। दिस इज अ वेरी गुड एसी जिसके अंदर आपको कूलिंग बहुत अच्छी मिलेगी। हिताची की कूलिंग थोड़ी डिफरेंट ही लेवल की होती है। They are true Japanese brands and it is a true Japanese brand and ये एक बहुत शानदार कूलिंग के साथ आने वाला एसी है। आपको एयर थ्रो भी इसका बहुत अच्छा मिलेगा। काजे प्लस मॉडल इज रियली रियली गुड, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ।
आपको सिर्फ एक ही चीज देखनी है, बहुत ध्यान से समझनी है कि ये आपके लिए 140 मैक्सिमम 150 स्क्वायर फीट तक के रूम साइज को ही बहुत अच्छे से कूल कर पाएगा, उससे ज्यादा नहीं। दैट इज व्हाट यू हैव टू कीप इन माइंड, क्योंकि इसकी भी कूलिंग कैपेसिटी पिछले सालों के मुकाबले कम कर दी गई है। ये सारे ब्रांड्स कर रहे हैं एंड दिस इज नॉट अ प्रॉपर 1.5 टन एसी, इसके अंदर भी आपको कम कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। दैट इज व्हाई 150 स्क्वायर फीट तक का रूम है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। 31,000 rupees इज द प्राइस। आपको लिंक्स दिए हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 AC लिस्ट 2023 के अंदर भी। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स नाउ। बेस्ट विंडो एसी इन इंडिया 2023 की मेरी लिस्ट में नंबर वन पे टॉप करने वाला नॉन इन्वर्टर एसी है, कैरियर का 1.5 टन 3 स्टार 2023 मॉडल एसी, जिसके अंदर आपको बहुत ज्यादा इंप्रेसिव 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी। अब मैं इसे कह रहा हूं बहुत इंप्रेसिव, 1.5 टन के एसी के अंदर आपको 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी को, हाँ, क्योंकि और किसी भी एसी के अंदर एटलीस्ट विंडो कैटेगरी के अंदर आपको ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी अब 2023 के अंदर नहीं देखने को मिलेगी। एंड द रीजन इज वेरी वेरी सिंपल, थोड़ी कम कूलिंग कैपेसिटी से आप ज्यादा आईसी ऑप्टेन कर सकते हैं, यानी इलेक्ट्रिसिटी जो कंजम्पशन है वो थोड़ी कम करी जा सकती है। दैट्स व्हाट एवरी ब्रांड इज डूइंग, लेकिन कैरियर की एडवांटेज ये है कि उन्होंने बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कूलिंग कैपेसिटी में ना करते हुए भी आपको अच्छा कॉम्प्रेसर और उसके अंदर अच्छी मोटर लगा के दी है। एंड दैट्स व्हाट आई really love about this AC. इस AC के अंदर भी आपको fixed speed rotary compressor देखने को मिलता है with two-way air swing और 100% copper condenser coils with aqua clear protection. Coils पे carrier ने transparent chemical की coating करके दी है, लेकिन fins पे उन्होंने blue color के chemical की coating करके दी है। Now what is the logic behind it? I don't know. लेकिन ये दोनों अच्छे chemicals हैं, ये coating अच्छी है, at least sediment और salt से बहुत अच्छी prevention है coils और condenser दोनों की। That's very good. Carrier बहुत बड़े claim ना करते हुए आपको एक अच्छा air purification filter देता है और dehumidifier भी देता है AC के अंदर, which is a good thing. और उनका मानना है कि ये एसी 52 डिग्री सेल्सियस तक भी कूल करेगा। यार ये क्लेम को टेस्ट कर पाना मेरे लिए इम्पॉसिबल है। 52 डिग्रीज का टेम्परेचर जब आएगा तो मैं इसे टेस्ट करूं, दैट इज कम्प्लीटली इम्पॉसिबल। लेकिन एक कंपनी को, एक ब्रांड को अपने प्रोडक्ट पे बहुत ज्यादा भरोसा हो तभी वो ऐसे लिख सकता है 52 डिग्रीज। दैट लीस्ट हम ये मान सकते हैं कि ये 40-45 डिग्रीज तक तो अच्छा ही काम करने वाला है। कैरियर के हिसाब से इस एसी के नॉइज लेवल्स हैं 52 डेसिबल्स और ब्रांड आपको देगा 1 ईयर की कॉम्प्रेहेंसिव एंड 5 इयर्स वारंटी ऑन द कंप्रेसर। दिस इज अ स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज अक्रॉस द नॉन इन्वर्टर विंडो रेंज एक्सेप्ट हिताची। उन्होंने क्यों ज्यादा वारंटी दी और कैसे दी, अच्छी बात है दिए तो, लेकिन ये एक स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज है और हमें इस चीज से कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए। इस एसी के अंदर आपको खरीदने पे 3 सर्विसेज फ्री मिलेंगे कैरियर की तरफ से एक साल में, which is again a very good thing. 3 सर्विस कौन कराता है यार, लेकिन ठीक है, फ्री मिल रही है आपको, करा लेना। आप इस एसी को अगर इस समय खरीदेंगे तो आपको पे करने पड़ेंगे 31,000 rupees, which I think is a fantastic price for this AC, क्योंकि ये एसी ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है और आपको कम प्राइस में मिलता है। ये एक बहुत बड़ा प्रो है इस एसी का कि ये बहुत ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एसी है, ज्यादा कूलिंग कैपेसिटी के साथ आने वाला। 160-170 स्क्वायर फीट तक के रूम के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और आपके रूम को बहुत जल्दी ठंडा भी करेगा क्योंकि इसकी कूलिंग काफी ज्यादा अच्छी है। इसके नॉइज लेवल्स भी 52 डेसिबल्स बहुत ज्यादा कंट्रोल्ड है, एटलीस्ट इफ वी कंपेयर इट फ्रॉम द लास्ट ईयर एंड लास्ट टू लास्ट ईयर मॉडल्स, उससे ये काफी ज्यादा कम कर दिए गए हैं। एटलीस्ट 2-2 डेसिबल्स भी अगर कम कर दिए जाए तो ये बहुत बड़ी चेंज होती है एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी गुड थिंग। मेरे हिसाब से मैं इस एसी के अंदर कोई कौन नहीं ढूंढ पाया एक्सेप्ट फॉर वन। अगर मैं हिताची की तरफ देखता हूं तो यार कैरियर वाले आप भी हिताची से सीख के थोड़ी सी वारंटी एक्स्ट्रा दे देते कंप्रेसर पे तो हम सबको बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। बट ठीक है, अगर नहीं है तो कोई कंप्लेंट नहीं है बिकॉज दिस इज अ स्टैंडर्ड वारंटी पैकेज अक्रॉस द नॉन इन्वर्टर रेंज एज आई सेड ऑलरेडी। अब आप क्या वेट कर रहे हैं, 31,000 का प्राइस कभी भी चेंज हो सकता है। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और VM1 AC लिस्ट के अंदर इसके लिंक्स दिए हैं, जल्दी जाइए इसे चेक करिए, ये मिस ना हो जाए डील, इट्स अ वेरी गुड AC। अब आप में से कुछ दोस्त सोच रहे होंगे कि मैंने 5 ACs आपको नॉन इन्वर्टर रेंज के अंदर बता दिया लेकिन इन्वर्टर कैटेगरी के अंदर आपको कोई भी AC नहीं बताया। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैंने 3 इन्वर्टर ACs को टेस्ट किया था लेकिन मेरी टेस्टिंग के अंदर जो नंबर 1 पे आया AC वो कौन सा है,
बेस्ट विंडो एसी इन इंडिया इन 2023 इन द इन्वर्टर कैटेगरी इज एलजी 1.5 टन 5 स्टार 2023 मॉडल। इसके अंदर आपको 1.42 टन की कूलिंग कैपेसिटी मिलती है। एंड अगेन आई विल से द सेम थिंग, ये कूलिंग कैपेसिटी काफी अच्छी है कंसिडरिंग द विंडो एसी रेंज। LG के इस मॉडल के अंदर, पर्टिकुलरली इसी मॉडल के अंदर आपको 3.68 की ICR देखने को मिलेगी। और मैंने ये स्पेसिफिकली इसलिए मेंशन किया क्योंकि ऑफलाइन मॉडल इज डिफरेंट। आपको वो डिफरेंट मॉडल मिलेगा, डिफरेंट कूलिंग कैपेसिटी मिलेगी और आपको वो डिफरेंट कंप्रेसर के साथ देखने को मिलेगा। आप अगर ऑनलाइन मॉडल जैसे Amazon या Flipkart से लेंगे तो वो आपको डिफरेंट मिलेगा। आई हैव परचेज्ड द ऑनलाइन मॉडल फ्रॉम Amazon। आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको जो रिव्यू दे रहा हूँ वो Amazon मॉडल का दे रहा हूँ। LG के इस एसी के अंदर आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर देखने को मिलता है और इसमें आपको कन्वर्टेबल 4-in-1 मोड्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम 40% टू 100% विद 1 AI मोड। मैंने अपने पहले के वीडियोस के अंदर भी बहुत क्लियरली आपको ये बताया है कि अगर आप एक नॉन इन्वर्टर एसी नहीं लेना चाहते और आप इन्वर्टर एसी लेना चाहते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप उसे नॉन इन्वर्टर एसी की तरह भी काम कराना चाहते हैं, देन यू कैन ईजिली डू दैट। आप इन्वर्टर एसी लीजिए, उसे एक 100% मोड पे आधे घंटे से 45 मिनट्स तक चलाइए और उसके बाद उसे ऑटो पे छोड़ दीजिए। उससे क्या फायदा होगा, पहले 45 मिनट्स या 30 मिनट्स के अंदर वो रूम के अंदर से गर्मी को हटाएगा, दीवारों को थोड़ा कूल करेगा और उसके बाद AI मोड यानी ऑटो मोड पे चल के ठंडक बरकरार रखेगा और आपके एसी से इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन को भी कंट्रोल करता चला जाएगा, जिससे आपको इन्वर्टर एसी की बेनिफिट भी मिलेंगे और नॉन इन्वर्टर एसी जैसी पहले आधे घंटे में कूलिंग भी मिलेगी। एंड दैट इज व्हाट यू कैन डू इन दिस LG इन्वर्टर एसी। जितने भी एसी मैंने टेस्ट किए उनमें ये एक लौता एसी है जिसमें आपको 4-way एयर स्विंग देखने को मिलता है और इस एसी के अंदर आपको ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन भी देखने को मिलेगी। सभी विंडो एसीज के अंदर आपको एक केमिकल कोटिंग करी हुई मिलेगी, किसी में ट्रांसपेरेंट कलर की ट्रांसपेरेंट कोटिंग या फिर किसी में ब्लू कलर की कोटिंग, लेकिन LG के अंदर बहुत फेमस ब्लैक कलर के केमिकल की कोटिंग आपको फिन्स पे, कंडेंसर कॉइल्स पे करी हुई मिलेगी। ये एसेंशियली उसी टाइप का केमिकल है, लेकिन LG की ये टर्मिनोलॉजी यानी ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन एक बहुत फेमस चीज है, इसलिए इट इज अ गुड थिंग, इट इज अ केमिकल कोटिंग, इससे ज्यादा कुछ नहीं। इसमें आपको एक HD फिल्टर मिलता है विद एंटीवायरस प्रोटेक्शन। एंड अगेन आई वुड से कि एंटीवायरस की मैं कोई गारंटी नहीं ले सकता, लेकिन जो एक बहुत अच्छा फीचर इस एसी के अंदर है वो है स्मार्ट डायग्नोसिस। और दूसरी अच्छी चीज है इस एसी के नॉइज लेवल्स जो कि सिर्फ 44 डेसिबल्स के हैं, और ये इसलिए हैं क्योंकि इस एसी के अंदर आपको डुअल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। व्हाट डस दैट मीन, कंप्रेसर के अंदर दो रोटर लगाए जाते हैं जो साइमल्टेनियसली काम करते हैं और नॉइज लेवल्स को काफी कंट्रोल कर लेते हैं, इसीलिए आपको इस एसी में 44 डेसिबल्स के नॉइज लेवल्स मिलते हैं, विच इज वेरी वेरी गुड। अब इस एसी को अगर आप खरीदते हैं तो आपको एक अलग वारंटी पैकेज भी मिलता है। वो पैकेज है 1 ईयर कॉम्प्रिहेंसिव, टोटल 5 ईयर्स ऑन द PCB, बिकॉज इस एसी के अंदर PCB वारंटी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि उसी के खराब होने से आपके ऊपर 8,000 से 10,000 रुपए का खर्चा आ सकता है। बट LG हैज प्रोटेक्टेड यू, 5 साल की टोटल PCB पे वारंटी और 10 ईयर्स वारंटी ऑन द इन्वर्टर कॉम्प्रेसर जो आपको इस एसी में लगा हुआ मिलता है। नाउ दिस इज अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज, 41,000 रुपीज का आपको ये एसी कॉस्ट करेगा और मेरे हिसाब से दिस इज अ फेयर प्राइस फॉर दिस इन्वर्टर एसी इन द विंडो कैटेगरी। अब आपको बताता हूँ इसके प्रोज एंड कॉन्स। इट्स अ वेरी गुड एसी, आपको कूलिंग डिपार्टमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने LG का स्प्लिट एसी भी यूज करा है अपने घर के अंदर एंड इट इज वर्किंग ब्यूटिफुली। बट कमिंग टू द विंडो एसी, ये एक अच्छा एसी है। आपको इसके अंदर 4-in-1 कन्वर्टेबल ऑप्शंस मिलते हैं, आपको AI मोड मिलता है, विच आई थिंक फॉर मी इट इज माई फेवरेट मोड, क्योंकि मैं कभी नहीं ज्यादा चाहूंगा कि एसी को लॉन्ग पीरियड तक मैं कन्वर्टेबल मोड पे चलाऊं। एंड बाय द वे यू कैन नॉट डू दैट आइदर, आप किसी भी एक मोड पे मैक्सिमम 1 आवर 45 मिनट्स तक ही चला सकते हैं एसी को, उससे ज़्यादा वो चलेगा नहीं और वो ऑटोमेटिकली ऑटो पे या फिर AI जो भी उसे ब्रांड कहता है उस मोड पे आ जाएगा। दैट यू हैव टू कीप इन माइंड, बट इट्स अ वेरी गुड एसी। अगर आप नॉन इन्वर्टर एसी चाहते हैं
कन्वर्टेबल एसी ले लीजिए, उसको आप किसी एक मोड पे चलाइए, आप नॉन इन्वर्टर एसी का बेनिफिट उठा सकते हैं, और इन्वर्टर एसी तो ये है ही। ये अच्छी कूलिंग कैपेसिटी के साथ आता है 1.42 टन, आप इससे 160 स्क्वायर फीट तक के रूम तक इजीली यूज कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इससे बड़ा अगर आपका रूम है तो आपको 2 टन का एसी ही लेना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू मी। नाउ देयर इज वन स्मॉल इशू दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। आप इसका शेप आराम से देखिए, इस एसी को ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल डिफरेंट शेप और डिजाइन के साथ आने वाला एसी है। आपको जितने भी विंडो एसीज दिखेंगे वो सारे साइड वेंट्स के साथ आएंगे, लेकिन इसमें आपको टॉप वेंट्स मिलते हैं, यानी एयर थ्रो आपको ऊपर से मिलेगा। इट इज अ गुड थिंग, बट ये थोड़ा छोटा एसी भी है, इसकी डायमेंशंस थोड़ी सी छोटी हैं आपकी स्क्रीन पे इस समय है। आपको ध्यान क्या रखना है, आपको अगर विंडो आपकी थोड़ी सी बड़े साइज की है तो शायद आपको थोड़ी एडजस्टमेंट करानी पड़ेगी, एंड आई डोंट थिंक सो ये कोई बहुत बड़ा इशू है। अगर आप इस एसी को पसंद करते हैं तो ये छोटी मोटी एडजस्टमेंट आप करा सकते हैं, इंस्टॉलेशन टीम भी कर सकती है ये चीज़। ये एसी बहुत अच्छा है इन द इन्वर्टर कैटेगरी, आई थिंक इट इज द बेस्ट वन। नाउ व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, 41,000 रुपीज का प्राइस है, ये चेंज हो सकता है। आपको लिंक्स दिए हैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी और VM1 AC 2023 लिस्ट में भी, जल्दी जाइए इसे चेक करिए, ये डील बहुत ज्यादा शानदार है। याद रखिएगा दोस्तों, जितने भी एसीज मैंने आपको बताई है 1.5 टन कैटेगरी के थे। अगर आपको 1 टन कैटेगरी के एसीज लेने हैं तो आप इसी के सिमिलर मॉडल्स जो मेरे हिसाब से बेस्ट हैं मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, आप उनमें से चूज कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको एक स्प्लिट एसी लेना है तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल है, मैंने ये सारे वीडियोस बनाए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। इन वीडियोस के अंदर आपको वो सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी जो आप कहीं और से नहीं ले सकते, ये मेरी गारंटी है। आपको कोई ब्रांड की वेबसाइट नहीं बता सकती, कोई दुकानदार आपको नहीं बता सकता, क्योंकि मैंने इन सारे एसीज को खरीद के रिसर्च करके कंपेयर करके आपको ये वीडियोस बना के दिखाए हैं। अब अगर आपको कोई और टाइप का एसी लेना है, then what you need to do, you just need to go to the description box, उसमें आपको VM1 AC list मिलेगी, आप उसे download करें और मुझसे अपना सवाल comment section में पूछें और मैं आपको जल्दी से जल्दी reply करके आपके लिए जो best AC है वो बताऊंगा, ताकि आप उसे खरीद के अपनी family के साथ उसे enjoy कर सकें। कैसा लगा आपको ये video, बताइएगा जरूर मुझे comment section में, और मैं मिलता हूँ आपको अपने अगले TrueView में बहुत ही जल्दी। Thank you very much.